हेलो भाई, नमस्कार। मेरा नाम है विश्व जैन और आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से एक बार महिंद्रा की अपकमिंग स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में। अब दोस्तों, ये गाड़ी जल्दी ही मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाली है। अगर आपको नहीं पता तो आज के स्टूडियो में मैं आपको काफी ज्यादा अच्छी डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये गाड़ी जो है वो अपनी जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो थी वही सेम गाड़ी है, कोई और डिफरेंस नहीं आया, लेकिन इसके अंदर अपडेट्स करे। एंड अगर आप कंफ्यूज है इसके ऊपर क्यों अपडेट्स आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो आई है जिसका नाम स्कॉर्पियो एन है, वो एन इसीलिए रखा है ताकि ये दोनों ही गाड़ियों को से सेल कर सके। इसको हम स्कॉर्पियो क्लासिक बुलाते तो है, लेकिन इसका रियल नेम स्कॉर्पियो है एंड जो न्यू आई है उसका नाम है स्कॉर्पियो एन। तो ये वाली जो इसकी लुक्स एंड इसकी रोड प्रेजेंस या फिर रगेड टाइप एसयूवी आपको चाहिए तो आप ये वाली स्कॉर्पियो ओल्ड वाली ले सकते हैं। इसके अंदर जब तक मेरे को पता है तब तक कोई भी जो है इंजन के अंदर अपग्रेड नहीं आने वाला, लेकिन लुक्स के अंदर इसका फ्रंट बम्पर के लोगो के अंदर इसकी जो साइड क्लैडिंग आती है एंड इसके अलॉय व्हील्स के अंदर आपको मेजरली चेंजेस देखने को मिलेगा। इंटीरियर के अंदर हालांकि इंटरेस्टिंग अपडेट सिर्फ इसका शायद से हो सकता है कि कुछ फीचर्स एड कर दे जाए, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग जैसे कोई फीचर हो सकते हैं छोटे मोटे, या फिर इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको अपग्रेड कर दिया जाए। जैसे कि पहले अगर एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले का सपोर्ट इतना अच्छा नहीं होता था या फिर नहीं अवेलेबल था, तो अब इसके अंदर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले या फिर वायर्ड ही प्रोवाइड कर दिया जाए। एंड अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर एंड्रेनॉक्स या फिर कनेक्टेड कार फीचर्स आएंगे, तो जी नहीं दोस्तों, इसके अंदर वो फीचर्स नहीं आएंगे। जो इंटीरियर होगा उसके अंदर ये जो अपडेट्स है ये यही तक सीमित रहेंगे, कोई भी क्वालिटी या फिर उसके अंदर चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इसके कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ा अपग्रेड कर दिया जाए न्यू फील देने के लिए। हाल फिलहाल तो इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पे आपको सभी गाड़ियों के बारे में इंडिया की डेट्स मिलती रहती है, आपको कार रिव्यूज मिलते रहते हैं, आपको हाउ टू वीडियोस मिलते रहते हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल कैसे चलाए या फिर आपकी जो टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम कैसे चलाए, सारी वीडियोस मैंने आपको बना के दी हुई है इन डेप्थ, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने धन्यवाद, थैंक यू सो मच।